मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने 10 वर्ष के शासन कार्यकाल में लागू की गई सरकारी योजनाओं की जमीन हकीकत का निरीक्षण करने के लिए इन दिनों प्रदेश भर में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से रूबरू होकर योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में आज वह बुंदेलखंड अंचल के सागर जिले के मालथौन के बिकोरकन्ना पहुँचे, जहाँ उन्होंने जन चौपाल लगा ग्रामीण जनों एवं बच्चों से संवाद कर उनके लिए शासन द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी ली। आपको बता दें कि इस जन संवाद में जहां सीएम ने बच्चों से स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में चर्चा की, तो वहीं ग्रामीणों से खाद, बिजली, पानी, सड़क एवं कचरा बीमा पर संवाद कर योजनाओं की यथास्थिति की समीक्षा की। शासन का कार्यक्रम नहीं है, जनता का कार्यक्रम है। तो पहले मैं बेटा बेटियों से जो छात्र छात्राएं हैं, भांजे भांजी, उनसे बात करूंगा। कौन कौन है हाथ उठाए जा पीछे है? तो ड्रेस के यूनिफॉर्म के पैसे मिले कि नहीं मिले? सही में मिले? तो पैसे से ड्रेस खरीदी कि नहीं खरीदी? मिली ना सबको? सब विषय की मिली है? ऐसा तो नहीं आधी मिली हो आधी नहीं मिली हो, मिली है सब। साथ ही संबंधित योजनाओं में विभाग के अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने पर मिलने वाली शिकायतों पर सीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए। फौजी कलेक्टर बताएं कितने दिन में हो जाना चाहिए? दो तीन महीने कह रहे हैं, दो तीन महीने हो गए, क्यों नहीं हुई? ये तो रूटीन के काम है, ये क्यों नहीं हुए? उसमें पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट में माधुर जी कितने कितने दिन का टाइम है?